मैं इस वक्त पहुंचा हूं पीर बहोर थाने में, गांधी मैदान से ठीक सटा हुआ और सब्जी बाग में, जहां काफ़ी हंगामा हुआ था। अब हम आपको दिखा रहे हैं पीर बहोर थाने के अंदर का दृश्य। ये है मे आई हेल्प यू, यहां पर टोपी रखी हुई है, लेकिन जिनकी ड्यूटी है शायद वो यहां नहीं है। और यहां देखिए, ये चारों तरफ जो है वो हाजत है, सीसीटीवी का है। ये कल क्या हुआ था आपको दिया गया? मैं नहीं था थाना पे। कौन थे? एलबीपी करके चले गए। तो आपको आयु बनाया गया ना? बनाया तो गया। क्या आपके पास क्या जानकारी, क्या तैयार? अब अभी अनुसंधान इसमें करेंगे तो क्या हुआ है? अब अनुसंधान होगा इसमें। क्या पता चला है? पता चला है जो आप लोग से छुपा हुआ होगा। आपको लगता है कि थाने के अंदर में इस तरह से आकर के कोई हंगामा करता है, गाली गलौज करता है आपके अफसर के साथ, तो ये क्या डिमोरलाइजिंग नहीं लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता है। इसीलिए तो FIR हुआ, कार्रवाई की जा रही है। थाने में घुस करके कोई कैसे ऐसा कर सकता है? करना तो नहीं चाहिए। यही तो असामाजिक तत्व के लोग, जिनको ये भी रिस्पेक्ट नहीं है कि थाना जो है सुरक्षा के लिए हम लोग का है, उसके बावजूद भी इस तरह की कार्रवाई अगर करता है तो ये एकदम अशोभनीय है। इस पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आपको लगता है कि सरकार बदलने का ये स्थिति बना? अब ये तो सरकार बदलने से इसमें क्या लेना देना है? पुलिस का अपना काम होता है, कोई भी सरकार रहे वो अपना काम करेगी। लेकिन पहले तो हमने नहीं देखा इस तरह से कोई थाने। संजोग है, कभी हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार बदलने से या न बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को तो वही काम करना है। लोगों की मानसिकता अगर चेंज हो तो उसमें नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, अफसर को गाली मिल रहा था तो आप लोगों को क्या क्या अंदर से लग रहा? देखिए, उस समय तो हम थे नहीं, लेकिन अगर किसी भी अफसर को अगर गाली गलौज करता है तो ये अशोभनीय है। और हम लोग तो जो कार्रवाई कर सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया वही कर सकते हैं। इतनी हिम्मत कैसे आ रही है? अब ये तो उनसे पूछिए ना जिनकी हिम्मत आई है। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार बदला इसलिए इस तरह की चीज़ें हो रही है। ये सब चीज़ अब उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है जो ऐसा किया है। अब इसमें तो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग को तो सरकार किसी का भी रहे, हम लोग को तो उचित कार्रवाई करना है। इसमें आप क्या क्या अनुसंधान करेंगे? अभी जो FIR मिला है हमको, उसमें दोनों नेम्ड है जो पकाया हुआ भी है, और उसको जेल भेजा जा रहा है। वो दोनों कहाँ हैं जिनको पकड़ा गया? वो हैं कहीं सीनियर पदाधिकारी के नॉलेज में। मतलब थाने के अंदर में जो हंगामा करता है उसको यहाँ से इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि डर है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फिर दोबारा मान लिया छुड़ाने की स्थिति है ऐसा उत्पन्न ना हो, इसलिए थाने में भी लोग सुरक्षित नहीं कर सर। सुरक्षित तो है ही, मतलब अब असामाजिक तत्व भीड़ इकट्ठा होकर के अगर करेगा तो हम लोग के तो है ना कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे उसको रोका जा सकता है। अब मान लिया जानबूझ करके हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेंगे। अब मान लिया एक व्यक्ति पकड़ा है, उसको छुड़ाने के लिए हुजूम आ गया, अभी दो व्यक्ति पकड़ाए हुए, उसको भी अगर यहाँ रखेंगे तो फिर दोबारा हो सकता आ सकता है। इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके लिए हम लोग उसको अभी कहीं रखें। आपको लगता है कि पुलिस का खौफ जो है, डर इस इलाके में ख़त्म होता जा रहा है? ऐसा पुलिस का खौफ खत्म नहीं हुआ है, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ऐसा कर देते हैं, उन पर शिकंजा कर। जो लोग जुड़े वो तो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, RJD के नेता हैं, RJD के लोग हैं। अब क्या है इसके बारे में हमको नहीं पता विशेष। आपने सुना के भी नेता रहेंगे चाहे जिसका भी रहें, अगर कानून के दायरे में आएंगे तो बक्सा किसी को नहीं जाए। हम लोग अपना काम करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग सरकार की नहीं कर रहे तो काम करने का तरीका बदल देंगे, ऐसा नहीं होता। खुलम खुला धमकी तो दे रहे हैं, गाली गलौज पर कार्रवाई किया जा रहा है ना। हम लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत की दाद तो दे रहे हैं। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तो यही तो हिम्मत की दाद है कि जेल जा रहे हैं, यही हिम्मत की दाद है ना कि जेल जा रहे हैं। अगर कानून के हाथ में लेके जेल जाएंगे, लेकिन पसीने छूट गए पुलिस वालों के भी इंतजार कर, उसी के लिए हम लोग बने ही हैं। अगर जहाँ विधि व्यवस्था गड़बड़ाएगा इसी के लिए हम लोग हैं। पसीना छूटना ये तो है ही, करना पड़ेगा हम लोग को। आपने सुना आयो साहब को, कानून है, कानून का काम होगा और आगे भी कार्रवाई होगी। वो आने वाले दिनों में जो भी इस घटना को अंजाम दे रहे थे, चाहे किसी दल से जुड़े हो, आपने सुना, आपने देखा कि क्या स्थिति बन गई थी रात में। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP News, पटना।